सर मोबाइल यूज कर रही हूँ। शुभम? हाँ सर। लास्ट लेक्चर किसी दूसरे लिंक पे अपलोड हुआ है ना? अभी तक ऐसा कोई सा लेक्चर है क्या जो अपलोड नहीं हुआ है? शुभम, उससे पहले वाला तुमने कर दिया था क्या अपलोड? सर ट्राई कर रहा हूँ कन्वर्ट करने की पर होता नहीं। नहीं हो रहा है, चलो उस लेक्चर को रहने दो फिर। लास्ट वाला लेक्चर जो इससे जस्ट लास्ट, हाँ वो किया था मैंने, वो शायद अपलोड नहीं अल्फिया ने किया किया था। था। मुझे लगा वो लिंक पे अपलोड हो गया इसलिए बाद में मैंने नहीं किया था। एक काम कोई करेगा, वो वाला जो लेक्चर अल्फिया ने दूसरे लिंक पे नोट किया है उसको उस सेम लिंक पे कोई डाल देगा क्या डाउनलोड करके? यस सर, क्षितिज तुम कर दोगे? हो गया वो। ओके। एक्चुअली मैंने जो इसमें देखा था उसमें लास्ट लेक्चर ओपन नहीं हो रहा था, सो अल्फिया वाला शायद ओपन हो रहा है, बट उस हमारी जो लिंक है उसमें ओपन नहीं हो रहा था, तो उसमें कोई वो डाल देना जो अल्फिया ने डाला है लास्ट। ठीक है, और आज से नया चैप्टर शुरू होगा, तो अभी जो जो हमारा लेक्चर बाकी है डिस्कशन प्लस थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, वो वेक्टर का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। तो इस हेलो लेक्चर सर, कैन आई रिकॉर्ड सर? क्या मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। हो गया? आपको भी कर देता हूँ। देखो ये लेक्चर आपको हमेशा काम आएंगे, बाद में भी काम आएंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपलोड कर दो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें जाके देख सकता है। ठीक है, इसलिए हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी ये फैसिलिटी नहीं होती, ऑफलाइन जब क्लासेस होती है तो एक बार पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, जिसने मिस कर दिया उसको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, बट इस बार तो अब तुम 10 बार भी सुन सकते हो। कोई टॉपिक में डाउट आया तो फिर से ऑफलाइन में होता था फिर से पढ़ने को नहीं मिलता था, यहाँ पे डबल डबल आप पढ़ सकते हो। कोई टफ टॉपिक है जैसे मैं पहले बोल देता हूँ, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ध्यान से समझना, फिर भी हो सकता है ध्यान इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ोगे तो वो परफेक्ट हो जाता है, इसलिए ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करके, एक ही फाइल पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे तो 1 साल बाद भी जब तुम 12th में पढ़ रहे होगे तब 11th का कोई टॉपिक, तब तक तो सब भूल जाते हैं 11th का, रिविजन करते हैं, हो सकता है 90% याद आ जाता है, 10% याद नहीं आएगा, तो 10% देखने के लिए भी ये वीडियो हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, इसलिए ट्राई करो कि जिस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लैपटॉप से यूज कर लोगे तो सबका अपने अपने पास वीडियो हो जाएगा। सर एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ रेजोनेंस का ही वीडियोस डालेंगे हम लोग, फिर हम लोग को एक्सेस मिलेगा उसका, फिर उसमें देखना इजी पड़ेगा। ठीक है, ये भी सेम ही है, प्राइवेट ही है, जिसमें हम अपलोड करते हैं उसमें भी अपलोड करना पड़ेगा आपको, इसमें भी सेम अपलोडिंग ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। दोनों में एक ही बात है, समझ में आया? आप सारे वीडियो उधर डालोगे तो इसी लिंक में, जो एक लिंक है उसमें एक्सेस लेक्चर, अच्छा वो अंधेरी वाले चैप्टर, अंधेरी वाले ग्रुप में वो वाली लिंक में फिर से भेज दूंगा, सबके पास नहीं हो तो अंधेरी वाले ग्रुप से अगर कोई अपलोड करता है तो उस लिंक पे अपलोड करोगे तो वो जो हमारे सारे लेक्चर्स के नंबर है उसके साथ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और आज आज का लेक्चर का नाम डालना रेक्टिलिनियर मोशन, शॉर्ट में RM, ऐसे लिखना RM लेक्चर 1। होपफुली आज शुरू हो जाएगा है ना, क्योंकि वेक्टर का तो थोड़ा सा बाकी, तो आज ही चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो इसके नाम से डाल वेक्टर इन मोशन लेक्चर 1। ठीक है, और सेम लिंक में अपलोड करना, समझ में आया? करें स्टार्ट। यस सर। तो एक काम है क्षितिज, तुम वाला काम कर देना, जो लास्ट लेक्चर अल्फिया ने जो दूसरे लिंक पे अपलोड किया है उसको प्लीज डाउनलोड करके इसी पे डाल देना, है ना? हेलो और सर, फिर आपने व्हाट्सएप में डाला था वो? हाँ, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। हाँ वो कर दिया मैंने। हेलो, अच्छा कर दिया क्या? ओके, आप और कौन बोल रहे हैं? सर मुझे वो आपने जो लिंक भेजा है ना उस पे अपलोड करने नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? आप ऐसे करोगे तो फिर उसमें फिर वो दो अलग अलग लिंक पे हो जाएगा, एक बार वो ट्राई करना वरना फिर कोई और से बोलूंगा मैं करता हूँ। ठीक है, ओके सर।
उसी लिंक पे एक बार, क्योंकि उसमें हमारी पूरे चैप्टर वाइज लिस्ट बन जाएगी, जिसको जिस चैप्टर में देखना है उसमें देख लेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट लेक्चर चल रहा था, बाद में इतना इतने सारे लेक्चर हो जाएंगे कि ढूंढने को मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा लेक्चर कौन सी लिंक पर, इसलिए एक ही लिंक मेंटेन करते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके सर। या फिर एक काम करते हैं, वो जो किसी ने सजेशन दिया था यूट्यूब पे प्राइवेट चैनल बना लेते हैं, या फिर सेम लिंक रखते हैं, अगर इस उसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तो नहीं आएगी शायद अपलोड करने में, किसी को इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है मुझे नहीं पता, तो ट्राई करो कि इसी में रहने दो और इसमें सब अब इसी में लेक्चर डालो। ठीक है, समझ में आया? ओके, डाउट डिस्कस कर लेते हैं, किसी को डाउट हो तो बता दो वरना शुरू करते हैं, उसके अलावा फिर एक ग्रुप में एक और डाउट है तो ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। ईपीपी का सबकी तैयारी होगी, टेस्ट की तैयारी होगी सबकी? सर वो डीपीपी में डाउट है थोड़ा, दो तीन आप मैं बता दूंगा इसके बाद। अच्छा, टेस्ट की तैयारी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो क्लास नोट्स के न्यूट्रिशन से जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन एक बार खुद से सोल्व कर लो बिना देखे कि ये वाले क्वेश्चन मुझे आते नहीं आते जो मैंने क्लास में करवाए थे, मुझसे जो मैं क्लास में देता हूँ ना उनको करने के, ये करो इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के, वो सब खुद से करके देख लो कि आते ही नहीं आते, और करते करते सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। देखो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो टेस्ट मार्क्स नहीं आएंगे, टॉपिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आएंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला एक भी फॉर्मूला भूल गया उससे मान लो एक या दो क्वेश्चन आ गए तो वो दो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री भी लगता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तक के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो सब याद कर लो सबसे पहले तो वो जरूरी है। उसके अलावा क्लास नोट्स के क्वेश्चंस बिना देखे कर लो, ठीक है, पढ़ पढ़ के देखना नहीं है, रिवीजन करते वक्त पढ़ना नहीं है, बिना देखे सॉल्व करो पहले से, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो मुझे आते हैं, अब वो आते हैं तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा फिर हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व की है, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तुम, ये सब में जो लो टफ क्वेश्चंस थे वो फिर से कर लो, अभी तो दो टॉपिक है बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए स्टार्टिंग के टेस्ट में, तो वैसे भी ये टेस्ट तो थोड़ा इजी होगा, समझ में आया? चलो देखते हैं। B1 क्या है? A man walks 40 meter north, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर B1 A man walks 40 meter north, then 30 meter east, and then 40 meter south. Find the displacement from starting point. Then go to the other side. You know, ye east, ye west, ye north, ye south. अब इसके हिसाब से देखो क्या किया है। A man walks 40 meter north. मान लो यहाँ से चलता है। तो north मतलब इधर गया। 40 meter. इसको मैंने बोल दिया S1. ठीक है, एंड देन 30 मीटर ईस्ट, फिर ईस्ट में क्या, इसको मैंने बोल दिया S2, S1 40 मीटर नॉर्थ में, S2 30 मीटर ईस्ट में, ऐसे डायग्राम बना दो। ठीक है, एंड देन 40 मीटर साउथ, उसके बाद वो साउथ में गया, 40 मीटर नीचे आ गया साउथ, ये हो गया S3 40 मीटर A से B गया, B से C गया, C से D आ गया। हमसे पूछा find the displacement from starting point। अब displacement देखो क्या होता है? Displacement होता है shortest distance between initial point and final point। ये हम लेक्चर में उसको चैप्टर में पढ़ेंगे। Initial point कौन सा है ये? Final point कौन सा है ये? A initial point है, final point D। तो shortest distance कौन सी वाली होगी? ये सब थोड़ा काउंट करना है, डिस्टेंस पूछा होगा तो डिस्टेंस होगा 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 40 110 मीटर। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, जितना भी हम चलेंगे पूरे रास्ते उस पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट होता है मैं यहां से वहां, मैं यहां, मैं मान लो यहां से यहां,
अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार से आया, हो सकता है हम पूरी दुनिया घूम के आए, हो सकता है हम पूरी दुनिया घूम के आए तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को पार से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट होगा आप कहीं से भी आए हो, बात हटा दो, बात मत दिखो, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक की छोटे दूर से, ये हम फिर से पढ़ेंगे, बट सिंपल है, आपको पहले से भी आता है, आता ही नहीं आता है, ये पढ़ रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है छोटे डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, किसी भी पार से जाओ कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल अब कहीं से घूमते 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 आया तो नहीं था ना, उसकी पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल की पोजीशन में कितना पहले ये पोजीशन थी उसकी, अब ये हो गई, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना बस कितना छोटे डिस्टेंस, सो यहां पर कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, यहां ए से डी आया वो कहीं से भी आया, तो ये है ना आंसर डिस्प्लेसमेंट का, कितना है 30 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है, और किस तरफ, ए से वो इस तरफ ईस्ट में गया या वेस्ट में गया, फाइनली ईस्ट। अब ये तो ये इस क्वेश्चन में तो ओरली बता दिया हमने, क्योंकि डायग्राम इजी बनता है, कभी-कभी डायग्राम टफ बनता है, मान लो ये 40 रह रही है यहां मतलब पीछे, तो ये निकालना पड़ता है, समझ में आएगा, तो उससे बढ़िया क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा s, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, s1 प्लस वेक्टर प्लस s2 वेक्टर प्लस s3 वेक्टर, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ ऑल द थ्री डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ना टोटल, और इनको वेक्टर ऐड करना है, ऐसे मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करना है, मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाए, ये है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको डिस्टेंस दिखना है तो डिस्टेंस को सिर्फ एस बोलते हैं, एस, ठीक है, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर दो s1 प्लस s2 प्लस s3 तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 40 कितना आया 110 मीटर, डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर है, बट हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टरली ऐड कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ये फॉर्मूला कायदा है और ये फॉर्मूला कायदा है, समझ में आया, इसमें मैंने वेक्टर देखो ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, ये वेक्टर है, ये मींस ये डिस्प्लेसमेंट है, ये और ये डिस्टेंस ऐड की मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, यहां पे मुझे डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है, ये वेक्टर का काम यही है, हमने वेक्टर क्यों पढ़ा था कि ये सब कट पाए आगे, ठीक है, सो s1 वेक्टर कितना है, s1 वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट कितना है s1 a से b तक का कितना है 40 मीटर इन नॉर्थ, तो बताओ क्या लिखूं i के लिए या j के, i कैप j कैप j j ये i के होता है, ये j के होता है, ये माइनस i के होता है, ये माइनस j के होता है, याद है लिखवाया था ना मैंने, हाँ सर, तो क्या लिखूँगा s1 को क्या लिखूँगा 40 j कैप, s2 को क्या लिखूँगा बोलो प्लस 30 i कैप, 30 i कैप, और s3 को क्या लिखूँगा माइनस 40 j कैप, माइनस 40 j कैप, माइनस 40 j कैप, आउट में नीचे क्या है माइनस 40 j कैप, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 30 आई के, अब इसको ऐसे लिखो 30 मीटर यू आई के किधर होता है ईस्ट, समझ में आया क्या, यस सर, आगे सर में, अब मान लो लास्ट में बोला होता कि वो सी से डी 20 मीटर ही गया, सी से डी कितना गया 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस 20 जे के, यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस 20, तो 40 में से 20 जाता तो फिर यहाँ पे आंसर में 30 आई के प्लस 20 जे के भी आता, समझ में आया क्या, यस सर, यस
देखो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ टाइम टू टाइम करते रहो, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस में होमवर्क दे देता हूँ, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी उसी टाइम पे। हमने वेक्टर पढ़ा था, मैंने वेक्टर की क्वेश्चन दे दी, तो उससे आपको सब रिवाइज हो जाएगा, एकदम परफेक्ट टॉपिक हो जाएगा जिनने होमवर्क किया। सर B4 भी एक्सप्लेन करना, B4 क्या? B4 समझ में आया? जाओ तो डायग्राम बना लो।
जो जीरो नहीं हो सकता मैंने डायग्राम बना लिया। बनाना है हटा दू सर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? यही ना, कैन नॉट बी जीरो वाला बी ऑप्शन। ये इक्वल टू जीरो नहीं था, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंफ्यूज मत होना, वो तो मैंने दूसरे केस का बताया, कैन नॉट बी जीरो है सी फोर के बाद सी टू। सी टू क्या है? इफ ए वेक्टर is equal to 3ik plus 4jk, then find ak. ak kya hai? What is ak? ak is the unit vector of a vector, means ye aisa vector hai jo ak ki direction batayega. Jo ak ki kya batayega? Direction. Magnitude bhi batayega, kya batayega? Only direction. So, हमें बताएं कि वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ये होगा ना? यस सर, यस सर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर और वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर बचेगा बस। सो यहां पर ए के भी से यूनिट वेक्टर, तो ए के क्या होगा? वेक्टर कौन सा? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 5 आया। समझ में आया? सो इस फॉर्मूला को कर दो। अब ए वेक्टर क्या है? 3 i k प्लस 4 j k अपॉन में मैग्नीट्यूड में किसका डिवाइड करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 5। तो ये आंसर। आगे समझ में? यस सर। थैंक्स सर। No, sir. सर सी फोर में भी डाउट है।
One of the rectangular components of the velocity of 60 km per hour is 30 km per hour. Rectangular component क्या होते हैं? जो हमने component लेना सीखा था ना, x में, y में, z में, ये होते हैं rectangular component. Rectangular component मतलब component along x, component along y, component along z. ठीक है? Find other rectangular component. अब ये जो velocity है, इसका एक और दो component है total. Means it दो direction में velocity. मान लेते हैं ये x और y में, तो जो वेलोसिटी आपको गिवन है, मान लेते हैं ये मैं x मान लेता हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ठीक है, और ये वेलोसिटी कितनी है, ये इन दोनों के बीच में, ये मान लेते हैं ये x में भी और y में भी, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बोला है इसमें, सो ये दोनों के बीच में, तो और कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दोनों के बीच में. अब इसका एक कंपोनेंट 30 है तो दूसरा निकालना है, एक कंपोनेंट 30 है तो दूसरा निकालना है, तो मैं मान लेता हूं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 है, x पर ये 30 है, इसको मैं बोल देता हूं vx, और ये एंगल अभी हमें मुझे पता नहीं है, बट अभी निकाल लूंगा इसका ये वाला कंपोनेंट जो है ये 30 है, तो मुझे ये वाला कंपोनेंट निकालना है vy. समझ में आया क्या? अब देखो मैं dx को क्या लिख सकता हूं, v cos थीटा, और vy को क्या लिख सकता हूं, v sin थीटा. बताया था ना मैंने, ये फिर से बताना है क्या? हां सर बताओ ना एक बार वापस. ये vx is equal to v cos theta, vy is equal to v sin theta, ये कैसा है ये पता है? नहीं पता है, ये पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, बताया था ना, बेस वाले कंपोनेंट को cos से मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को sin से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा बताओ उस वो फार्मूला लगा के, जल्दी बोलो आता है कि नहीं आता है? आता है सर. आता है ना अनीश, तुम्हें आता है? सर वो कंपोनेंट कंपोनेंट लिया है ना? हेलो सर. हेलो सर. हाँ सर आता है, आता है, आता है ना, कंपोनेंट लेना बताया ना मैंने, ये कंपोनेंट है इसका, ये वाला, ये मान लो ये a वेक्टर था, ये थीटा एंगल पर इसका ये कंपोनेंट आया था a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आया था a sin थीटा, बताया था कि नहीं बताया था? तो हमने लिखा था a वेक्टर को ax i k plus ay j k, ऐसे लिखे बताया था मैंने 2D resolution में. Yes sir, चलो एक बार बता देता हूँ, पहली पहली बार ऐसे बता रहा हूँ. देखो ये ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये B है, ये BX है, और ये BY है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ इधर लिखता हूँ cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है vx अपॉन हाइपोटेनस कितना है b, तो vx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v cos थीटा. यस सर. है ना, और sin थीटा क्या होगा, vy परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस v, तो vy बन जाएगा v sin थीटा, इसलिए मैंने बोला परपेंडिकुलर वाले में sin थीटा आता है और बेस वाले में आता है cos थीटा, तो डायरेक्ट याद रखो, बार बार करना है, बार बार ट्रायंगल बना के निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद रखो कंपोनेंट जब भी लेते हैं एक वाले कंपोनेंट में cos थीटा मल्टीप्लाई होता है दूसरे में sin थीटा, किसमें cos थीटा होता है बेस वाले कंपोनेंट में, और किसमें sin थीटा मल्टीप्लाई होता है परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ में आया? अब हमें क्या गिवन है, v पता है और vx पता है, ये vx vx कितना है 30, b कितना है 60 cos थीटा, तो यहां से cos थीटा मिल जाएगा 1/2 is equal to आएगा 30/60 मतलब 1/2 1/2 40 थीटा कितना है
60 डिग्री आ गया, मींस ये एंगल 60 डिग्री। अब हमें एंगल मतलब मिल गया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। py = होगा कितना है 60 sin थीटा कितना है वो भी 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2 तो 60 into √3/2 तो by आ गया 30√3। समझ में आ गया? हाँ सर। किस किसने किया था ये क्वेश्चन? एक के मिनट अब देखो एक और दूसरा वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट है 1/√3, उसके दो कंपोनेंट है मतलब x में 1 ले लो और y में √3 मतलब 1 से ज्यादा, ठीक है? तो ये वाला वेक्टर कौन सा आएगा? ये इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। तो क्या ये एंगल कितना हो? ये √3 तो ये भी √3 तो फॉर्मूला लगा लो tan थीटा 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का। ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने? क्वेश्चन में गिवन है कि उसके दो कंपोनेंट है 1 और √3, तो मैंने ये वाला 1 ले लिया और ये √3 ले लिया, तो ये एंगल ऐसे कितना बनाएगा? तो कितना बनाएगा? tan थीटा इज √3 अपॉन 1, तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। समझ में आया? आगे समझ में आता? यस सर। यस सर। अब देखो b वेक्टर x के साथ 60 बना रहा है और a वेक्टर x के साथ 40 बना रहा है, तो b और a में कितना एंगल? तो ये एंगल कितना बचा? 15 डिग्री। समझ में आया? तो ए और बी में कितना एंगल आ गया? ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल आ गया? नो सर। नो सर।
बड़ा सर यस देखो ये ए वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं इसके दोनों कंपोनेंट 2 और 2 है x में भी 2 है तो 2i है और y में भी 2 है तो 2j है ऐसे लिख सकता हूं हां यस सर जिसके कंपोनेंट 2 और 2 है उसको 2i के प्लस 2j के लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ये b वेक्टर का कंपोनेंट है 1 और √3 दोस्तों मैं बोल सकता हूं रूट वन आई के मतलब आई के प्लस रूट थ्री जे के ऐसे लिख सकता हूं यस सर ठीक है अब इन दोनों के बीच में एंगल बताना है इन दोनों के बीच में एंगल बताना है तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी ये बताया था ना मैंने यस सर यस सर a डॉट b इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो i के को i के से तो 2 into 1 2 plus 2 into root 3 2 root 3 ठीक है 2 into 1 2 plus 2 into root 3 2 root 3 upon a का मैग्नीट्यूड क्या होगा under root 2 square 4 plus 2 square 4 मतलब root 8 मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 हम अलग से निकालो a is equal to 2 root 2 और b is equal to होगा 1 का square 1 plus root 3 का square 3 तो 1 plus 3 4 under root 2 तो b over 2 तो a की जगह लिख लो 2 root 2 into b की जगह लिख लो 2 अब इसमें से 2 common आएगा तो ऊपर बचेगा 1 plus root 3 नीचे 2 से 2 cancel हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2 root 2 ये आया cos theta अब देखो इसका फॉर्मूला में पता नहीं होता है बट ये cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप निकाल के देखो तो थीटा कितना आएगा 15 डिग्री इस मेथड से कट तो लोगे बट अगर आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो पता नहीं चलेगा है ना इस मेथड से भी निकाल सकते हो बट ये cos 15 डिग्री की वैल्यू तो थीटा कितना आया 15 डिग्री तो दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे आपको लिखना है क्या अभी हाँ सर सर नीचे से रूट टू बचेगा ना क्योंकि टू कॉमन लिया ना हम लोग ने नहीं मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन समझा सर हाँ सर एक और टू दो दो बार टू है मैंने एडिशन लिखा है सर सर जो डी फोर है उसमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का एंगल फाइंड करने का दोनों का तो वो कैसे करते हैं कौन सा डी फोर लास्ट वाला सबसे The magnitude of scalar product of two vectors is 8 and that of vector product is 8 root 3. The angle between them. देखो a दो वेक्टर है a वेक्टर and b वेक्टर. इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या होता है? a b cos theta ये होता है तो डॉट प्रोडक्ट कितना गिवन है इनका या स्केलर प्रोडक्ट कितना गिवन है 8 इक्वेशन में गिवन है ab cos theta is equal to 8 और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है
का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ये कितना गिवन है? 8√3। हमसे पूछा है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा निकालना है, ठीक है? सो ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ये इक्वेशन टू बोल देते हैं। इक्वेशन में फर्स्ट में टू का डिवाइड करो, तो इधर ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा, ठीक है? इधर ए बी साइन थीटा कितना था? 8√3 अपॉन 8 से 8 कैंसिल, इधर ए बी से भी कैंसिल, साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है? 10 थीटा, दिस इक्वल टू क्या बचा? √3। तो थीटा कितना है? 60। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या गिवन है? आपको डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, फार्मूला लगा दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया एंगल थीटा, ठीक है? ओके सर। सारिका ये क्वेश्चन भी आपने जो आपने पूछे हैं, सर डीपीपी वाला डाउट है अभी, डीपीपी वाला। हां एक और इसी का एक और किसी ने डाउट पूछा है, इसी में है क्वेश्चन। सर डीपी वाले डाउट के नंबर डाले कि फोटो डाले? डबल ऊपर 5:30 तक हवा रहे। एक और क्वेश्चन है इसी का, what are the x and y component of a 25 meter displacement at an angle 210 degree with the x-axis? ये देखो ये x-axis है, ठीक है? एक वेक्टर है 25 meter, ये x-axis, ये y-axis। अब x-axis है 210 degree बना रहा, तो यहाँ से यहाँ तक 180 degree होता है। 210 degree मतलब यहाँ से 30 degree हो, मतलब ये वेक्टर इधर है। ये एंगल कितना गिवन है? 210 डिग्री, और ये कितना है? 25। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से डायरेक्शन में है मुझे बताओ? ये जो वेक्टर है 25 मीटर, ये एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री बना रहा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 30। अब इसके देखो x में भी कंपोनेंट आएगा और y में भी, तो x एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो अनुमान तो x वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये थीटा है, तो x वाला कंपोनेंट ये वाला आएगा 25 cos 30, और ये वाला थीटा के साथ वाला cos आता है, बताया था ना, बेस वाला कंपोनेंट में cos लगता है और परपेंडिकुलर वाले में sin लगता है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 25 sin 30। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये वाला नेगेटिव x एक्सिस में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 25 cos 30 minus i cap, और इसको लिखेंगे minus j cap, क्योंकि एक उधर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है ना, तो उस तरफ होता है minus i cap, नीचे होता है minus j cap। ये भी तो सिंपल इक्वेशन था, ये 30 डिग्री यहां से टूटे हैं, तो ये 180 यहां तक हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ 30, तो इस एंगल पे ये इसके कंपोनेंट लेने इधर और इधर आएगा, इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये 25 पे ये 30 डिग्री है, तो ये आएगा 25 cos 30 और ये आएगा 25 sin 30। इसलिए मैंने बोला याद रखो, एंगल के साथ आता है cos और परपेंडिकुलर वाला आता है sin, बेस वाले में cos से मल्टीप्लाई करो, परपेंडिकुलर वाले में sin, तो दोनों कंपोनेंट मिल गए ना। अब ये नेगेटिव x एक्सिस में, ये नेगेटिव y में है, तो i के जैकेट में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 25 cos 30 minus i के, इसको लिखेंगे 25 sin 30 minus i के। आगे समझ में? Yes, sir.
हेलो सर, हाँ आज लेक्चर कितने बजे तक है? लेक्चर है 9:45 सर। हम लोग का 9 बजे कॉलेज का लेक्चर था। 9 बजे? हाँ। कौन से कॉलेज में? MGM, वो इंटीग्रेटेड किया है ना, फैब है ना क्लासेस और कॉलेज। 10 बजे से होता है? हाँ 10 बजे से होता है लेक्चर। नहीं, आज बोले कि 9 बजे लिंक आएगा, अगर लिंक आए तो फिर क्या करूं? कितने जने? अभी मालूम नहीं, पूछो ना आप। MGM कॉलेज से कितने जनों को लिंक आया? DB1 IT। DB1 में? सर मेरा भी लेक्चर है 9 बजे से। यस सर। अरे जिनका भी 9 बजे से लेक्चर है हैंड रेस कर दो, कुछ में दोनों हैंड रेस कर दो जिनका भी 9 बजे से लेक्चर है। हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है आपके पास? सब लोग हैंड रेस कर दो। ये ऐसा आज ही हो रहा है या हर बार होगा? सर वो क्लासेस वालों से बात करके और टाइमिंग चेंज कराना पड़ेगा। फ्राइडे को है ना? आज तो थर्सडे है। फ्राइडे को रहता है कि थर्सडे को? थर्सडे है। आईटी का थर्सडे को रहता है ना? थर्सडे और फ्राइडे को रहता है और मंडे को। आज भी है क्या? आज आईटी का है। आईटी का फ्राइडे को है सर। आज साइकोलॉजी का है। हां साइकोलॉजी का है। हां सॉरी साइकोलॉजी। जल्दी जवाब दो तो उसे दूसरे सिस्टम में डिसाइड कर लूंगा। 7 लोगों ने एड्रेस किया था। फिलहाल तो सेकंड लेक्चर चालू है सर उसका, अभी आज सेकंड लेक्चर होगा। मैं अटेंड करना जरूरी है तो फिर हम 9 बजे तक पढ़ेंगे। जल्दी से बता दो। नो सर। नो मतलब क्या? जरूरी है? नहीं है। नहीं है, नहीं है ना? सब सबकी तरफ से बोल रहे हो या सबको जरूरी नहीं है ना? सर मुझे साथ से मुझे अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पहला लेक्चर सर मिस हो गया था ना, तो अटेंड करना पड़ेगा मुझे। अच्छा कितनी बजे तक है लेक्चर? 10 बजे तक, 9 से 10। चलो ठीक है, आज मैं ये डाउट सॉल्व करके लेक्चर क्वेश्चन में से भी आज थोड़ा दुखी होता है तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे। अभी जो बाकी बचे हुए डाउट है वो पूरा कर लेते हैं। डीपीपी के डाउट क्या? डीपीपी के डाउट्स फोटोज भेजे या फिर? चलो व्यू मेरा ये डाउट जब तक चलेंगे तब तक एडिट कर लो फिर लेक्चर में चले जाना, थोड़ा लेट हो जाएगा। ये शीट ऑफ डीपीपी के डाउट्स है। एसईओ 14 देखो, ऐसे कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया ना मैं खुद से कर लिया कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन कराया मैंने क्लास में। क्या क्वेश्चन है? ए शीट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टेबल। एक शीट है इसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टेबल विद ए स्क्वायर बेस। अब इसका टेबल बनाना है तो टेन कैसा बनेगा? ऐसे क्वेश्चन कराया था ना मैंने क्लास में। तो बेस की साइड्स क्या है? इक्वल है, स्क्वायर बेस है, नीचे से स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है तो मैंने मान लिया तो साइड है ए और ए और हाइट को मान लिया मैंने एच। हाइट को क्या मान लिया? एच। ठीक है, then find the dimension of the base such that volume of this tank is maximum। तो हमें dimension बताना है इस base का, a की value बतानी है। such that volume of this tank is maximum। volume इसका क्या हो गया maximum? तो इसका volume क्या होगा? तो मैंने बोला volume होगा a square h। ये होगा ना इसका volume, ये maximum कर रहा है। अब यहाँ पे ये volume a पर भी depend करता है और h पर भी। तो मैंने बताया था कि किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा।
किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका टोटल एरिया कितना है, 40 मीटर स्क्वायर ना, ये जो टैंक बना है जो ऊपर से ओपन है, इसका टोटल एरिया कितना होगा? इसमें क्या क्या बने, नीचे स्क्वायर है और फोर रेक्टेंगल से चारों तरफ से, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? जिससे बनाया उसके एरिया होगा ना, इस शीट से तो ये बनाया तो इक्वल टू 40 होगा, समझ में आया? अब इसमें से एच की वैल्यू निकाल लो, इसमें एच से एच की वैल्यू निकाल लो ए की टर्म्स में, और यहाँ पर पुट कर दो एच की वैल्यू इसमें, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो dv / dA इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम कहां पर होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक क्लास में करवाया इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? क्लास का क्वेश्चन देख लेना एक बार, इसका सॉल्यूशन भेजा था मैंने, इसमें रूट थ्री आंसर में बट रूट टू आ रहा है, आंसर में रूट थ्री है बट सॉल्व कर रही हूँ तो रूट टू ही आ रहा है, रूट थ्री नहीं आ रहा है। पावर थ्री बाई टू, पावर थ्री बाई टू मतलब थ्री बाई टू क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को ब्रेक कर सकते हैं ना, तो क्या बनेगा a by root 2 upon इसकी a का पावर 1 3 square by 2 into a power 1 by 2 मतलब root 3 square by 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इस पावर 3 by 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, yes sir। आप देखो a power लिखता हूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2a, अच्छा ये a a c a a कैंसिल हो जाएगा, सो 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रूट 2, या फिर अभी पूरा ऐसे कैसे लिखता हूँ, a से कैंसिल, ऊपर है 1 बाई रूट 2, नीचे 3 बाई 2 इंटू ये कितना, ये है रूट 3 a अपॉन रूट 2, ये रूट 3 है अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, सो ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा, 3 रूट 3 a बाई 2, ये हो जाना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 रूट 3, ये आंसर आया, ये आंसर, यस सर। इसलिए ना आप ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन आंसर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये सब तुम कर सकते हो, फिर से कराओ आंसर आएगा, मेरा काम है
तुमने क्वेश्चन पूछा ये, तो मैं बोल दूंगा x की जगह ये पुट कर दो, अब ये पुट करके आंसर तुम लाना तुम्हारा काम है, मैंने बता दिया ना इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने पूरा पढ़ाया तुम्हें फंक्शन क्या होता है, कैलकुलेशन भी मैं पढ़ाऊंगी, ये तो तुमसे खुद से होनी चाहिए, ठीक है आंसर नहीं आ रहा है तो समझ में आया। सो डिस्कशन का मतलब क्या है, डिस्कशन में इवन लिखकर भी नहीं, मैं बोल दूंगा इस क्वेश्चन में ये इसमें पुट कर दो बस, यहाँ मेरा काम करना है तुम्हें सोल्व करना है, ये होता है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या, डिस्कशन में ऐसा नहीं कि पूरा हर चीज लास्ट आंसर तक लेके आऊंगा, बस मैं हिंट बता दूंगा कि ऐसे सोल्व कर दो, जो कि पूरा पढ़ा देना अब फिर से सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है बता दूं। हाँ सर। सर एक मिनट रुको, अल्फा इक्वल टू सेक 3 बीटा, आपसे पूछा है डी अल्फा बाई डी बीटा, ये पूछा है डी अल्फा बाई डी बीटा, इस अल्फा का डिफरेंशिएशन करना है बीटा के रिस्पेक्ट, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी अल्फा बाई डी बीटा, इस पहले तो चेन रूल लगेगा तो sec 3 बीटा sec का होगा, तो ये होगा sec 3 बीटा tan 3 बीटा, फिर 3 बीटा का होगा इनटू 3, ये तो करना है। ठीक है सर, उसका आंसर क्या, क्या ये नहीं है आंसर, ये नहीं है सर, तो क्या आंसर है सर, वहां पे आंसर भी है थ्री अल्फा स्क्वायर साइन थ्री बीटा, इसको इस सेक को लिख दो वन अपॉन कोस थ्री बीटा, ठीक है फिर टेन को लिख दो साइन थ्री बीटा अपॉन कोस थ्री बीटा, तो ये बन जाएगा सी साइन थ्री बीटा अपॉन कोस स्क्वायर थ्री बीटा, ये आना चाहिए आंसर, आंसर थ्री अल्फा स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थ्री बीटा है। एक काम करो इसका क्वेश्चन नंबर मुझे भेजना डिग्री में, मैं आंसर चेक करूंगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर मिस्टेक है तो बता दूंगा। ओके सर, ठीक है या तो ये होगा या तो ये होगा, कोस स्क्वायर में कोस को एलिमिनेट कर दिया, कोस हट ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है कोस तो आएगा सही ना, साइन टेन थ्री बीटा क्या होगा, टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो ये होगा साइन थ्री बीटा अपॉन कोस थ्री बीटा, और सेक होता है वन अपॉन कोस, तो ये होगा, तो नीचे कोस तो आएगा सही, cos cube x square, then find f dash x, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, सो इसमें भी क्या लगेगा, पहले पावर सॉल्व होगी, पहले 3 सॉल्व होगा, सो 3 आगे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन f dash x करना है, तो 3 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या cos square ब्रैकेट में x square, ठीक है फिर पावर सॉल्व हो गया, सेकंड फंक्शन है चेन रूल लगा है, इसमें 3 का लगेगा, इस तीन बार डिफरेंशिएशन होगा, पावर सॉल्व में अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, तो इसका होगा साइन एक्स स्क्वायर, अब फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इनटू टू एक्स, तो क्या आंसर है माइनस थ्री इनटू टू सिक्स एक्स कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन
फिर इसका भी एमसीक्यू का दूसरा एक और आंसर है। हाँ तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये सॉरी माइनस बी ना, हमें पता है साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बना लो फॉर्मूला, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस थ्री एक्स को अलग लिखो इनटू टू इस कॉस स्क्वायर में एक कॉस को ले लो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और एक कॉस और अलग लिखो इसको कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यस सर। तो ये क्या बना साइन टू थीटा, ये बना साइन एक्स स्क्वायर, तो वही आंसर है। हाँ सर समझो, थैंक यू। हेलो सर, आप बोलो सर, सिक्स वाले का आंसर मुझे मिला है, भेजू? कौन सा सिक्स वाला? हाँ भेजो। इसमें कौन सा डाउट है, किसने फोटो भेजा है? सर फर्स्ट में फंक्शन क्या लेना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द ग्राफ शोन इन द फिगर फाइंड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हां सर, तो इसका एरिया निकालना है, राइट एरिया निकालना है इसका। तो ये जो ग्राफ की है, ये ऐसा ग्राफ की है, फंक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सब वैल्यू गिवन है सारी। तो यहां से यहां तक का कार्स का तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, 0 से 12 तक का एरिया निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का निकाल लो, फिर यहां से यहां तक इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो और इसका निकाल के सबको ऐड कर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लेके ऐड कर दो। हाँ डिफरेंट डिफरेंट सब का ये पूरा एरिया निकाल लो, कैसे भी कैलकुलेट करके निकाल लो, जैसे रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला लगा दो, ट्रायंगल का लगा दो, ऐसे निकाल के एरिया निकालना है इसका। ओके सर, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेट काम करते हैं एरिया निकालने के लिए, जब फंक्शन की बात या तो डायरेक्ट ग्राफ ही बने, ठीक है। हां सर, और कोई डाउट है क्या? नो सर, डाउट है क्या? क्या दूसरे ग्रुप में भेजा है? शुभम आपके भेजा है? हां ये कौन सी डीपीपी है सर? पहले दो क्वेश्चन A5 से और दूसरा वाला A8 से। A5 में क्वेश्चन नंबर 4 और 8 है ना? हाँ सर, A5 में क्वेश्चन नंबर 4 इफ fx इज इक्वल टू sin x plus cos x, then f of x हमें क्या बताना है? ये बताना है f of x जिसकी क्लास में जा सकता है, अभी आज मैं पढ़ा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, डिस्कशन ही कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन f of x minus f of minus x, ठीक है। सो अब इसमें सबसे पहले तो f of x तो ये f of minus x अलग से निकाल लो, f of minus x के अंदर होगा तो क्या x के लिए minus x पुट करेंगे, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे यार, sin minus theta क्या होता है, minus sin theta है ना, cos minus theta क्या होता है, cos theta, तो sin minus x क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स,
ये कोड लगाना है तो f of x तो यहां पे x की जगह माइनस x की है तो ये बन जाएगा माइनस sin x माइनस 12 जाएगा प्लस cos में x की जगह माइनस x लिखेंगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है cos माइनस x भी cos x ही होता है सो ये cos x अब f of x और f of माइनस x की जगह डालकर सॉल्व कर लो हां सर हां ठीक है चलो क्या हेलो सर सर मैंने ये फोर्थ वाले का ग्रुप पर भेजा आप चेक करेंगे क्या ये सही है आंसर तो वही मिल रहा है फोर्थ वाले का वो उस करके हम बाद में देख लेंगे मैं बता दूंगा आपको अभी जो डायरेक्ट डिस्कशन वाले चेकिंग वगैरह में बात कर लूंगा ठीक है अगर और अगर डाउट है तो यहां पूछ लो मैं बता देता हूं फोर्थ वाला कौन सा ये वाला यस सर ये तो बता ही दिया ना मैंने आपको फोन करना है तो कर ही सकते हो मैंने कंसेप्ट बता दिया ठीक है आंसर नहीं आ रहा है क्या आ रहा है सर आ रहा है बस ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 इफ f(x) इज इक्वल टू x की पावर 6 एन क्या सर वो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस 1 एंड g ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 1 ठीक है देन द करेक्ट जनरल रिलेशन इज r अभी तो ऑप्शन वाइज करना है जैसे ऑप्शन बी ले लेता हूं मैं ठीक है ऑप्शन बी क्या है f ऑफ x प्लस h ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 1 आना चाहिए तो h ऑफ अब इसमें h ऑफ y है इस वाले फंक्शन में y की जगह मुझे x पुट करना है y की जगह क्या पुट करना है x क्यूब पुट करना है तो इस वाले फंक्शन में मैं h y की जगह x क्यूब पुट करूंगा तो माइनस ठीक है और y की जगह मैं x क्यूब पुट कर दूंगा और ये इसका स्क्वायर है प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा माइनस x की पावर 6 प्लस 1 ये बन जाएगा अब ये वैल्यू आप कर दो तो क्या हो जाएगा f of x x की पावर 6 प्लस h of x क्यूब कितना है माइनस x की पावर 6 प्लस 1 तो x की पावर 6 x की पावर 6 कैंसिल तो आंसर बन आया तो ये सही है ऐसे करना है सारे ऑप्शन करके बताओ क्या सारे नहीं सर कर लूंगा इस तरह से करना है मतलब फंक्शन में पुट करना है जैसे सी ऑप्शन देखो g ऑफ y तो यहां z की जगह चलो कर ही देता हूं ये हटा दो लेकिन अब तो तुम खुद ही कर लोगे ये हटा दूंगा ठीक है अब c वाला ऑप्शन भी देखो c वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है जी वाला ऑप्शन बोल रहा है जी ऑफ वाई प्लस एच ऑफ रूट वाई इक्वल टू जी ये बोल रहा है तो जी ऑफ वाई मतलब इस वाले फंक्शन में जेड की जगह वाई पुट करना है तो ये आएगा वाई माइनस वन जी ऑफ वाई आ गया वाई माइनस वन देन एच ऑफ वाई इस वाले फंक्शन में वाई की जगह रूट वाई पुट करना है तो माइनस तो y की जगह रूट y पुट कर दूंगा तो रूट y ये y की जगह रूट y कर दिया और ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 1 तो ये क्या बचेगा माइनस y प्लस 1 अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो तो g of y क्या बना y माइनस 1 प्लस h of रूट y ये क्या बना माइनस y प्लस 1 तो y से y कैंसिल माइनस 1 से 1 कैंसिल तो 0 आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे करना है सारे ऑप्शन जाके देख लो जो जो सही है वो सही है हाँ सर तो ये डिफिकल्ट क्लियर हो गया
12 वाला भी हो गया 12 हाँ ये वाला इंटीग्रेशन x प्लस 1 वाला ये ना इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइड हाँ क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dy इफ y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर अब देखो हमें जो इंटीग्रेशन करना है उसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता दो वेरिएबल है तो एक को हटाना पड़ेगा उसके लिए आपको एक और इक्वेशन दी है d1 यहां से हटा सकते हैं देखो उसको डिफरेंशिएट करो y को x y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो डिफरेंशिएट कर दो क्या आएगा d y / d x इज इक्वल टू 12 x आएगा ये आएगा तो यहां से d y की वैल्यू मिल जाएगी 12 x d x ये वैल्यू ना तो क्या बन जाएगा x plus 1 into d y is equal to 12 x d x तो क्या बन जाएगा 12x का मल्टीप्लाई करो 12x स्क्वायर प्लस 12x dx अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा हां सर समझ गए स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3 इनटू 12 प्लस 12x का हो जाएगा 12 इनटू x स्क्वायर आगे समझ में हां और कोई डाउट आगे हेलो सर तो अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मैंने ना मुझे एक तरीके से क्या दिमाग में आया कि अगर हम साइन एक्स और साइन एक्स करें स्प्लिट कर दे और फिर दोनों का इंटीग्रेशन कर दे तो गलत हो जाएगा ना प्रोडक्ट रूल लगा नहीं कर सकते जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है क्या कि डिफरेंशिएशन क्या करना है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में तो प्रोडक्ट रूल होता ही जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर x dx तो आप क्या बोल रहे हो वैसे ही बोलिए sin x into dx अब देखो ऐसा जो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है तो इसको कैसे करोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल लग जाता इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं ठीक है सेम फंक्शन का होगा तो नहीं कर सकते आप इसको इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 plus cos 2x by 2 उन्होंने बताया ना formula yes sir dpp के और डाउट बचेंगे रूम में मुझे इसमें आ गए समझ में एक ये सर सर इसमें प्लस सी भी लिखना पड़ेगा ना हाँ इसे लिखना पड़ेगा ना लास्ट में प्लस सी ना क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बता देंगे सभी ने भेजे सर उसका सॉल्यूशन मैंने भेजा है ग्रुप पे हो गया तो और कोई डाउट पेंडिंग है सर एक डाउट किसी ने डाला है कौन से वाले ग्रुप में बीए 1 बीए 1 में ये तो चेक कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर बताओ सर फोटो है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है कोई ये मैंने क्लास में करना है अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो क्लास के वीडियोस को देख लो बात ठीक है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दो ये 5x plus 8 को t पुट कर दो या क्वेश्चन में जैसा बोला u पुट कर दो जो आपकी इच्छा है पुट कर दो ठीक है तो अब डिफरेंशिएट करो ये इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सो 5x plus 8 equal to t तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5 is equal to dt by dx ये आएगा
सर पर उन्होंने सर पर उन्होंने ना दो ऐसे दो ऑप्शन दिए, मतलब u इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस एट से भी करने का और रूट फाइव एक्स प्लस एट से भी करने का. एक तो ये हो गया ना, इससे ऐसे होगा. हाँ फाइव एक्स प्लस एट से हो रहा है पर रूट फाइव एक्स प्लस एट से नहीं हो रहा है. तो वो बोलो कि सर इससे करके बताओ. हाँ सर इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये पावर कितनी है 1/2. अच्छा मैंने आपको बोला था ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, पता है कि नहीं पता है? यस. तो डायरेक्ट लगा दो, ये इक्वल टू बी है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट ऑफ 5x plus 8 और फिर अंदर वाले का चेन रूल लगेगा, इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट ऐसे ही होगा सिंपल वे में. पहले तो ये रूट सॉल्व होगा, तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो मैंने एक केस पूरे रूट का क्या किया 1/2 रूट, रूट के अंदर जो भी है अब फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो इनटू में 5x plus 8 का क्या डिफरेंशिएशन होगा 5 is equal to यहां पे हो जाएगा dv by dx. समझ में आया? हाँ सर. सर इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ आंसर क्या आ रहा है इस का? क्वेश्चन के साथ अटैच नहीं है. मैं तो मेथड बता, आंसर मुझे नहीं पता, जो भी आएगा तो सॉल्व करो. अब क्या करना है देखो, dx dx is equal to क्या बन जाएगा, dx इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा root 5x plus 8 2 dt अपॉन या फिर या इसको इधर ले लो dx अपॉन रूट 5x प्लस 8 इज इक्वल टू ये 2/5 dt बनेगा. समझ में आ गया? अरे बोलो ना, ये dx इधर चला गया, 2 इधर आ गया, 5 नीचे आ गया, तो dx upon root 5x plus 8 is equal to क्या बना? 2/5 dt. ये वाली वैल्यू इसके लिए क्या लिखोगे आप? 2/5 dt. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/5 dt का इंटीग्रेशन t plus c. अब 2/5 t की वैल्यू कर दो, t की वैल्यू root 5x plus 8 plus c. आंसर आगे क्या सर में? अरे यार बोल तो दिया करो, जिसका भी डाउट है समझ में आया कि नहीं आया वरना फिर से बताऊं. आधा समझा सर, आधा कुछ समझा ही नहीं. आधा कहां से नहीं समझा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कहां से नहीं समझा आपको? इसका डिफरेंशिएशन नहीं समझा मेरे ख्याल से, ये नहीं समझा क्या? हाँ सर. क्या तुम्हें ये पता है root x का differentiation होता है 1/2 root x, ये पता है कि पता है? नहीं नहीं सर. हाँ नहीं सर. आपने late train किया था? हाँ सर. देखो इधर x की power 1/2 का differentiation क्या होगा? 1/2 आगे आ जाएगा, है ना? root x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की power 1/2. तो 1/2 आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा? x की पावर 1/2 माइनस 1, ये बचेगा ना? हाँ सर. तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 x की पावर माइनस 1/2. हाँ सर. अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स. तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स. अब आपने चेन रूल वाले वीडियो देखने के लिए देखे? चेन रूल वाले वीडियो देखे? देखे ना? हाँ सारे वीडियो देखे पुराने?
हाँ पर उसमें से ना इंटीग्रेशन का क्या? एक वीडियो इंटीग्रेशन के वीडियो की जगह पहला वाला जो फंक्शन का वीडियो है वो है इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं मतलब एक ही इंटीग्रेशन का वीडियो है क्यों सब वीडियो तो सारे स्टार्टिंग के तो सब अलग है बस स्टार्टिंग के नहीं है बाकी सारे चेक करना आप सारे मिल जाएंगे आपको इंटीग्रेशन के हाँ सर बीच में कोई लेक्चर बीच कोई वीडियो मिस हुआ था क्या इंटीग्रेशन का और किसी ने देखे हैं क्या इंटीग्रेशन के सारे वीडियो है ना जिनने देखे हैं सारे मैंने देखा है हाँ सर जिसने देखा है उनसे पूछ रहा हूँ सारे है ना तो ये आप देख लेना एक बार इंटीग्रेशन के भी सारे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1.2 रूट एक्स ये मैं बता रहा था तो अब देखो ये भी रूट का वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट और ये आएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स तो इसका क्या होगा 1/2 रूट में ये जो भी है हाँ सर अब फिर इसके अंदर चेन रूल लगेगा ना सिर्फ ये अभी तो रूट सॉल्व हुआ है अंदर का फंक्शन भी सॉल्व होगा तो अंदर का फंक्शन क्या है 5x + 8 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x का 5 और 8 का 0 तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 5 तो * 5 ये आया इसका डिफरेंशिएशन हां सर इज इक्वल टू t का क्या होगा dt/dx अब dx को उधर ले रहा और 2 5/2 को इधर ले रहा तो dx / √5x + 8 = क्या हो जाएगा 2/5 dt तो हम सभी तो ये इसकी जगह क्या लिख दिया 2/5 dt तो इंटीग्रेट कर दें हां सर और ये मैं क्लास पे करवाया था वीडियो देखो आप उसमें मिलेगा आपको हेलो हां बोलो तो मुझे शीट के एक सम में डाउट है कौन से फोटो भेजो जहां तक आगे जो मैंने नंबर में दिया है वो भेजना है और वो नो सर चलो आज का जो लेक्चर है वो फिर उसको मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर जो भी है उससे डाल लेना हेलो सर सर ln ऑफ x अपॉन x का एक बार इंटीग्रेशन करके बताओ ना क्या बोल रहे हो ln ऑफ x अपॉन x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x अपॉन x हां सर देखो ln ऑफ x को t में कर दो हाँ सर ln of x को t put कर दो अब डिफरेंशिएट करो तो 1/x ln of x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सॉरी बेटा भूल गया ln of x को क्या put करो t ln of x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x तो 1/x is equal to क्या बन जाएगा dt/dx ये dx इधर ले जाओ ठीक है dx/x is equal to क्या बन जाएगा dt yes sir तो यहाँ पर l is अब ln of x की लगी तो t आ जाएगा इसकी लगी t आ जाएगा और dx/x की लगी आ जाएगा dt तो इसका इंटीग्रेशन होगा t²/2 plus c t की वैल्यू पुट कर दो ln of x का होल स्क्वायर by 2 plus हेलो सर तो ग्रुप पे फोटो भेजा है वो शीट वाले सब में डाउट था नहीं हो रहा है व्हाट लाइक किया ये कौन सी स्पेसिफिकेशन पार्ट टू ये मैं स्टार्ट आप एक्सरसाइज 3 का या 2 का है 2 का है इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर dx ये है
सो यहाँ पर एक काम करो, 2 माइनस x को के होल स्क्वायर dx कर दो, ठीक है? 3 और dx के लिए पुट करेंगे माइनस dt अपॉन, नीचे क्या बचा dx स्क्वायर, इसको सॉल्व तो करना है, इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा 1 बाई डी स्क्वायर का, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये लीनियर फंक्शन है, मैंने बताया था डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक और डिस्कशन में बहुत टाइम चला गया, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोई डाउट बाकी है? नहीं डाउट और कोई बीबी वन पेज में कोई डाउट है? अच्छा एक और चीज मेरी रिक्वेस्ट है किसी से, ये जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इस चैप्टर का जिस जो अच्छे से जिसने नोट्स बनाए हुए हैं वो स्कैन करके एक बार पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देना, है ना? हो सकता है किसी के नोट्स पूरे नहीं हो तो उनको चाहिए होते नोट्स, बार बार मुझसे पूछते सर नोट्स भेज दो, तो जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस थ्री, तो कॉन्स्टेंट इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस डी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। अब इसके आगे भी करूं क्या? नहीं नहीं सर समझा, ठीक है भेज दिया क्या? जल्दी से भेजो। हाँ सर किया। आज का लेक्चर कौन अपलोड करने वाले हैं? जैसे आज कुछ पढ़ा तो नहीं, बट फिर भी किसी को डिस्कशन में डाउट हो तो नहीं दे। ये इंटीग्रेशन है साइन थीटा प्लस पाई, ये भी मैंने करवाया था, डिस्कशन किया था, वीडियोस देखो ये सारे सबके सॉल्यूशन है वीडियोस में, डबल डबल क्यों करवा रहे हो? सबका टाइम वेस्ट होता है। वेयर पाई इज नॉन जीरो कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ पाई, आपने भी रिवीजन किया है निकुल? यस सर। तो आपने वीडियोस नहीं देखे अभी तक? नहीं सर देखा है। वीडियोस में है ये इसका सॉल्यूशन, देखो साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा, है ना? अब इसमें लीनियर फंक्शन का रूल लगेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा प्लस पाई, और थीटा का कोफिशिएंट कितना है? मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है मतलब थीटा का? तो से डिवाइड हो जाएगा, तो वन से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, और लिमिट लगा दो जीरो से पाई, ठीक है? सो माइनस थीटा की जगह पाई पुट करेंगे तो कोस पाई प्लस पाई माइनस थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे कोस पाई, सो कोस पाई प्लस पाई कितना होता है? माइनस कोस पाई माइनस कोस पाई, तो माइनस और माइनस कोस पाई माइनस कोस पाई,
तो बचेगा माइनस टू कोस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा टू कोस स्क्वायर। अब ऑप्शन में क्या है मैं भी पॉजिटिव मैं भी नेगेटिव मैं भी जीरो ऑलवेज जीरो। अब देखो मैं भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है मैं भी नेगेटिव ये भी हो सकता है। कोस की वैल्यू क्या होती है माइनस वन से प्लस वन होती है ना। मैं भी जीरो जीरो भी हो सकता है ऑप्शन डी ऑलवेज जीरो इफ फाइ इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है बस ऑलवेज जीरो इफ फाइ इक्वल टू पाई बाई फोर। अगर फाइ इक्वल टू पाई बाई फोर मतलब कोस फाइ पाई बाई फोर तो कोस फाइ बाई फोर की वैल्यू तो वन बाई रूट टू होती तो जीरो आएगा क्या तो डी लोगे बाकी सब सही है। समझ में आया यस सर तीनों के बाकी सब सही तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो सारे वीडियो देख के नोट्स बना लो एक बार वरना आगे समझ में कम आएगा। फिर से बोल रहा हूँ आपके पास पूरे वीडियोस अवेलेबल है तो क्या फर्क पड़ता है सेम टू सेम जो मैंने सबको पढ़ाया है उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो सारे वीडियो देख के नोट्स बना लो ठीक है। और कोई डाउट बचा है क्या? नो सर। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से टेस्ट देना सब। टेस्ट सैटरडे को या संडे को? संडे संडे सर संडे 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 को ओके चलो तो उससे पहले एक और क्लास है मेरी।